मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। आगे बढ़ते हैं, एक और सूत्र की बात करते हैं। सूत्र ये है, पानी का ही सूत्र है ये, कि कभी भी शरीर के तापमान से कम तापमान का पानी न पिए, मतलब हमेशा गुनगुना पानी पिए, मतलब हमेशा हल्का गर्म पानी पिए। ये है सीधा सा मतलब है, ठंडा पानी न पिए, क्योंकि ठंडे पानी का तापमान शरीर के तापमान से अधिक। आपके शरीर का तापमान है सामान्य रूप से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और करीब 98-98.5 डिग्री फारेनहाइट, ये है शरीर का तापमान। पानी इसी तापमान का होना चाहिए, जितना गर्म शरीर उतना गर्म पानी, ऐसे पानी पीने, ठंडा नहीं पीने। अब ठंडे पानी का माने है फ्रिज में रखा हुआ पानी, ठंडे पानी का मतलब है बर्फ डाला हुआ पानी। तो फ्रिज में रखा हुआ पानी अगर आप उसका तापमान नापेंगे तो 10 डिग्री के आसपास आता है। कई बार फ्रिज में रखे हुए पानी का तापमान आप नापेंगे तो 4-5 डिग्री भी आता है, क्योंकि 3-4 दिन अगर रखा रहा तो 4-5 डिग्री का पानी हो जाएगा, और बर्फ डाला हुआ पानी भी इतना ही होता है, 4-5 डिग्री से 10 डिग्री। ये बहुत ठंडा है, शरीर है गर्म, पानी है ठंडा, तो झगड़ा होगा। गर्म शरीर में ठंडा पानी डालेंगे तो कुछ गड़बड़ होने वाली है, वो करके देख लीजिए। तवे को गर्म करिए, खूब गर्म हो जाए, फिर पानी डाल के देखिए, ठंडा पानी सारा जल जाएगा, माने तवे के काम पानी नहीं आएगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो आपने देख लिया, अगर बाहर की दुनिया में तो अंदर की दुनिया में भी कुछ गड़बड़ होगी, अंदर की दुनिया में एक ही गड़बड़ होगी कि शरीर गर्म है पानी ठंडा है। गर्म शरीर में ठंडा पानी डाला, मान लीजिए फ्रिज का पानी 4-5 डिग्री का, आपने 37 डिग्री के गर्म शरीर में डाल दिया, तो गड़बड़ एक ही होगी। एक तो ठंडा पानी या तो शरीर को ठंडा करेगा या शरीर पानी को गर्म करेगा, कुछ एक होने वाला है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन कल्पना करिए, ठंडे पानी ने शरीर को ठंडा कर दिया, पेट को ठंडा, पेट के ठंडा होते ही शरीर ठंडा होता है, 3 मिनट लगते हैं बस। पेट अगर ठंडा हुआ तुरंत शरीर ठंडा होता है, हृदय ठंडा, किडनियां ठंडी, लीवर ठंडा, सब ठंडा, और ये शरीर ठंडा तो दिमाग भी ठंडा, दिमाग ठंडा तो 3 मिनट में मरते हो और कोई नहीं बचा सकता। और जैसे ही सब ठंडा हुआ तो जो घर वाले आपको बहुत प्रेम और मोहब्बत करते थे वो घर के बाहर ले जाके रख देते, भाई अब ये ठंडा हो, अब ये काम करें। कल तक जो लोग आपसे प्रेम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आपके साथ जीने मरने की कसमें खाते हैं, आपके शरीर के ठंडा होते ही अरे ले जाओ भाई, जल्दी करो, क्यों देर कर रहे हो, लेके जाओ, जला के आओ, क्यों, ठंडी चीज रखी नहीं जाती, मतलब शरीर ठंडा हो जाए तो रखने के काम का नहीं है। हमारे यहां तो कहा जाता 24 घंटे के अंदर तो उसका अंतिम संस्कार हो ही जाना चाहिए। तो आप जानते हैं ठंडा शरीर काम का नहीं है, तो क्यों आप ठंडा पानी पी पी के इसको ठंडा बनाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब ठंडा पानी बंद। और अब दूसरी बात बताता हूं, ये जो सरल बात बताई उदाहरण देके, विज्ञान की जानकारी थोड़ा इसमें जोड़ना चाहता हूं। हमारे शरीर का जो अंदर का पूरा तंत्र है, इसके काम करने का जो टेम्परेचर रेंज है, तापमान का क्रम है, वो क्या है। हमारा शरीर बहुत अच्छा काम कर सकता है 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो और 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा हो, तो मतलब बिल्कुल साफ है कि शरीर को कम से कम तापमान जो चाहिए वो 27 डिग्री का चाहिए, अधिक से अधिक जो तापमान चाहिए वो 47 डिग्री का चाहिए। तो 27 डिग्री से 47 डिग्री के बीच के तापमान पर ही शरीर काम करता है, ऐसे जानना चाहिए। अब ठंडा पानी आपने पिया है तो वो 10 डिग्री का है, भले 27 डिग्री से कम है तो वो तकलीफ कर देगा, इसलिए मत पीना, कभी भी ठंडा पानी मत पीना।
मेरा तो सभी माताओं से बहनों से विनती है कि फ्रिज में पानी ही नहीं रखना, क्योंकि फ्रिज पानी रखने के लिए नहीं बना है। फ्रिज तो बना है दवाई रखने के लिए, जो दवाएं गर्मी में खराब हो जाए ऐसी दवाएं रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का आविष्कार हुआ। ये तो हमने जबरदस्ती घर में ले आया स्टेटस सिंबल के लिए, शान बढ़ानी कैसे है? पड़ोसी के घर में है तो अपने घर में क्यों नहीं होना चाहिए? पड़ोसी भले कुएं में कूदेगा तो हमें क्यों नहीं कूदना चाहिए? उसका दिमाग खराब है तो हमारा क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो सब मर गए हिंदुस्तानी एक ही बात में, भला उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद कैसे? एक विज्ञापन आता है सारा पढ़ा लिखा हिंदुस्तान इसी में डूब गया, न सोचा न समझा हम तो लग गए अंधे पने से नकल। किसी भी पड़ोसी ने पूछा भाई तुमने फ्रिज क्यों लाया, वो पड़ोसी के घर आया, अंत में पूछा तुम क्यों लाए, तुम अमेरिका लाया, अब अमेरिका ने कुछ मूर्खता की होगी तो तुम क्यों कर रहे हो, या यूरोप के लोगों ने कुछ किया होगा, उन्होंने फ्रिज लाया दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए, हमने वो फ्रिज लाया पानी रखने के लिए। अब पानी रखा है फ्रिज में उसी को पीते रहते हैं और दूसरों को पिलाते रहते हैं, शरीर का इतना नुकसान होता है और धर्म के हिसाब से जीव हिंसा तो होती ही है, क्योंकि आप जानते हैं ठंडे पानी में जितनी जीव हिंसा होती है उतनी गर्म में नहीं होती, सबसे ज्यादा जीव राशि ठंडे पानी में ही होती है। तो धर्म में भी जो आया विज्ञान से ही आया, आयुर्वेद में से आया। तो आप अगर धर्म पालन करना चाहते हैं तो भी आपका धर्म कहता है, जैन धर्म कहता है कि आप ठंडा पानी न पिए। आयुर्वेद की जानकारी के हिसाब से मैं कह रहा हूँ ठंडा पानी न पिए। अष्टांग हृदय में भी ये कहा गया है ठंडा पानी कभी न पिए। तो आप बोलेंगे फिर पानी कैसा पिए? हमेशा गुनगुना पानी पिए। एक शब्द है गुनगुना, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसी को शायद और एक शब्द में कहते हैं मराठी में कोमट पानी, हल्का लूकवॉर्म वैसा पानी, क्योंकि आपका जो शरीर है, मैं फिर से वो बात दोहरा रहा हूं कि अपना शरीर जो हल्का गर्म है, ज्यादा गर्म नहीं है, 37 डिग्री हल्का गर्म माना जाता है, तो हल्के गर्म शरीर में हल्का गर्म पानी ही अनुकूल होगा। तो आप हमेशा जीवन में याद रखें कि पानी गुनगुना हल्का गर्म ही पिए, फ्रिज का कभी नहीं बर्फ डाला हुआ गलती से मिले, किसी को ना मिलाए और किसी के आग्रह को स्वीकार भी न करें। कई बार लोग आग्रह करते हैं अरे भाई पी लो एक दिन में क्या हो जाएगा क्या बिगड़ जाएगा, उनसे कहो भाई नियम है तो नियम है, वो एक दिन टूटा तो 100 दिन टूटेगा, 100 दिन टूटा तो जिंदगी में कभी नहीं बनेगा, नियम तो नियम है। हमने बाधा ले ली या संकल्प ले लिया या स्वीकार कर लिया तो हम तो नहीं करते, फिर लोग आपके हिसाब से चलना शुरू कर। एक आध बार ऐसा होगा लोग आपको कहेंगे भाई शरबत पीना है तो गर्म पानी में कैसे पीना, वो तो ठंडे में ही होगा, तो उनसे कहिए गुनगुने पानी में भी शरबत बनता है, चाय बनती है ना कि गर्म होते हैं, तो गुनगुने पानी में भी शरबत बन सकता है, ठंडे पानी में गर्म डाले हुए नहीं क्यों। तो इस तरह से आप इसको अपने जीवन में करें, इसके इतने फायदे होंगे आप सोच नहीं सकते। मैं आपको मेरे 10 साल का तजुर्बा बताता हूँ। 10 साल पहले मैं खुद ठंडा पानी बहुत बार पीता था और अब मैंने 10 साल लगभग हो गया बंद कर दिया ठंडा पानी पीना, फ्रिज का पानी पीना। मुझे इतना फर्क आ गया मेरे पिछले 10 साल के जीवन में कि आप हैरान हो जाएंगे। मेरे मस्तिष्क की तीव्रता बढ़ी, स्मरण शक्ति बढ़ी, नींद पहले से अच्छी हुई, भूख पहले से अच्छी हुई, चुस्ती फुर्ती मेरे में ज्यादा आई, काम करने की ताकत पहले से ज्यादा बढ़ी, इंटरनल कैपेसिटी बढ़ी, प्रतिकारक शक्ति, सब तरह के फायदे मुझे हुए एक छोटा नियम पालन करने में, ठंडा पानी बन गया। और आप ये बात जैन संतों से पूछ लें जो कभी ठंडा नहीं पानी पीते, उनका जीवन भी आपको दिखाई दे जाएगा, कितना विहार करते हैं, कितना पैदल चलते हैं और फिर भी उनके पांव शरीर सब काम करते हैं, वो इसी कारण से ठंडा पानी नहीं पीते कभी। मैंने तो कई जैन संतों को देखा उबलता हुआ पानी कितना है। बहुत सारे जैन संतों का उदाहरण हमारे सामने है, आयुर्वेद के पंडितों से आप पूछ ले जाकर उनके बहुत सारे उदाहरण है, आप खुद अपने जीवन में आज से शुरू करेंगे परिणाम आपको दिखाई देगा। एक छोटी सी बात कहकर इस नियम को पूरा करूंगा, फिर प्रश्नोत्तरी का समय होगा।
अमेरिका में और यूरोप के देशों में आप कभी भी जाएंगे, कभी भी जाएंगे, तो वहां आप देखेंगे लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर। अमेरिका में तो इतना मूर्खता है, इतनी मूर्खाई है कि पानी को फ्रिज में रखेंगे, 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा रहेगा, खूब ठंडा हो जाएगा, फिर वो ठंडे पानी को निकालेंगे, फिर ऊपर से बर्फ डालेंगे, फिर पीएंगे, इतना ठंडा पानी। परिणाम क्या होता, बहुत ठंडा पानी पीते हैं तो कहा जाता है कि जठर की अग्नि पूरी तरह से बंद हो जाती है, शांत हो जाती है, अग्नि शांत हो जाती है। अब जठर की अग्नि शांत हो गई तो खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा, सड़ा हुआ खाना सब तरह की गड़बड़ी पैदा करेगा। तो अमेरिका और यूरोप के लोगों को मैंने देखा, उसमें इतनी गड़बड़ी है कि सवेरे जब वो संडास घर में जाते हैं तो एक एक घंटे तक बाहर नहीं आते, पेट साफ होने में उनको एक एक घंटा लगता है। कारण ठंडा पानी, क्योंकि बहुत ठंडा पानी पीने से आपकी अंतड़ियां ठंडी है, जठर ठंडा है, बड़ी आंख ठंडी है, बड़ी आंख ठंडी है तो उसमें एक्सपेंशन नहीं हो सकता, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चली गई तो मल निकलता नहीं, मल अंदर ही फंसा रहता है एक एक घंटे, और पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन मल नहीं निकलता। बहुत दिन के बाद मेरे समझ में आया कि अमेरिकन लोग अपने संडास घर में कमोड सीट क्यों लगाते हैं, वो हिंदुस्तानी पद्धति में क्यों नहीं बैठते। कमोड सीट के बारे में जब मैं उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे घर में ये जो लैट्रिन है ये कमोड स्टाइल की क्यों है, तो वो कहते हैं कि हमको एक घंटा बैठते हैं। हिंदुस्तानी पद्धति की जो लैट्रिन पॉट है वो तो 5 मिनट बैठने के लिए, 5 मिनट में बैठ के उठ गए, लेकिन उनको तो एक घंटा बैठना है क्योंकि पेट साफ हो नहीं रहा है, तो आराम से एक सीट बना लिया, कुर्सी की तरह से बैठ गए उस पर और न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, मैगजीन पढ़ते। सभी अमेरिकन टॉयलेट रूम में लाइब्रेरी होती है। बहुत दिन बाद मेरे समझ में आया कि वो लाइब्रेरी उनकी मजबूरी का काम है, उनका टाइम पास करना है, 1 घंटे 1.5 घंटे तो क्या करें, अखबार पढ़ते रहते, कमोड पे बैठते रहते। कमोड पे बैठने का कारण है ठंडा पानी। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, स्वस्थ होने के हमारा पैरामीटर क्या है, भारत के आयुर्वेद के सभी विशेषज्ञ कहते हैं कि स्वस्थ होने का सबसे आसान, अगर किसी में लक्षण खोजना हो कि ये स्वस्थ है कि नहीं है, तो ये देखो कि वो संडास घर में कितना समय लगाता है। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि आप टॉयलेट में गए और बाहर निकले तो सबसे ज्यादा स्वस्थ, समय लगना ही नहीं चाहिए, बैठे और पेट साफ और बाहर 2-3 मिनट में जो संडास घर से निकलते हैं वो सबसे ज्यादा स्वस्थ है, 5 से 10 मिनट में निकलते हैं वो थोड़े कम स्वस्थ हैं, और जिनको 20-25 मिनट लगते हैं वो तो सोचना शुरू करें, और जो 1-8 घंटे बैठ लेते हैं उनका तो भगवान ही बना कर। और ये सारा दुष्कर्म शुरू होता है ठंडे पानी से, क्योंकि पानी जब बहुत ठंडा आप पीते रहते हैं, जठर ठंडा है, अग्नि बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया, बड़ी आंत आपकी ठंडी पड़ गई, छोटी आंत ठंडी पड़ गई, तो इसमें से समस्या है। इसलिए मेरा ये कहना है कि अमेरिका में जो गलती हो रही है लोगों से वो आप ना करें, कम से कम आप अपने घर में फ्रिज का पानी, बर्फ का पानी रखना बंद कर दें, पीना बंद कर दें, पिलाना बंद कर दें। एक तरफ आपका धर्म पालन होगा और दूसरी तरफ आपका शरीर और स्वास्थ्य पहले से ज्यादा अच्छा होगा, हमेशा पूरा पानी पीने की कोशिश करें। तो अब इस नियम को हर जगह देखें, लागू करें। आप खाना खाने के बाद पानी पीना है, 1-1.5 घंटे के बाद पीना है तो गुनगुन, सवेरे उठ के पानी पीना है तो भी गुनगुन। अगर बहुत ज्यादा गर्मियों का मौसम आ गया और आपको लगता है कि गुनगुना पानी भाता नहीं, तो उस समय कहा गया है कि सामान्य तापमान का पानी पी लें। अब सामान्य तापमान का पानी से मतलब होता है रूम टेम्परेचर का पानी।